और जिना के पास भी न जाना कि वो बेहयाई है और बुरी राह है। सही बुखारी की रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि नतीजा क्या होगा रोजे का खामत वो भी सुन लीजिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कहते हैं हदीस तवील है, मैं आपके सामने रखता हूँ फिर, और मतलब उसका हिस्सा रख रहा हूँ लंबी हदीस, और फिर हम आगे चले। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ जहन्नुम आपको बताई जाएगी, और फिर हम आगे चले और एक तन्नूर नुमा जगह के पास हम पहुँचे जिसका ऊपरी हिस्सा छोटा था और निचला हिस्सा बड़ा। तन्नूर तंदूर बोलते हैं, तंदूर कैसा होता, ऊपर छोटा सुराख होता नीचे बड़ा होता, फर्नेस ऊपर छोटा नीचे। तो तंदूर नुमा जगह पहुँचे जिसका ऊपरी हिस्सा तंग निचला हिस्सा वसी था बड़ा था, और इसमें चीख और पुकार शोर मच रहा था, बहुत चीख पुकार थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया हमने इसमें झांक कर देखा, मतलब मैंने इसमें झांक कर देखने के लिए क्या है, झांक कर देखा तो क्या देखता हूँ कि औरतें और मर्द सब नंगे हैं और इनके नीचे से आँख के शोले आते हैं। वन आफ्टर दिया नजर, मतलब वो पूरे नंगे हैं इसके अंदर और एक शोला आता है आँख फिर चला जाता है, फिर दूसरा शोला आता है फिर चला जाता है, आँख का शोला आता है और चला जाता है। वो मजीद चीखते हैं, पहले चीख रहे थे, जब शोला लेकिन आता है और चीखते हैं, फिर वो शोला चला आता है, फिर एक शोला आता है, फिर वो चीखते हैं और वो शोला चला जाता है। तो इन्होंने जो है मजीद चीखते चिल्लाते हैं। मैंने पूछा है जिब्राइल अलैहिस्सलाम ये कौन लोग हैं, तो इन्होंने बताया ये जिनाकार मर्द और जिनाकार औरतें हैं। मोमिन मर्द और मोमिन औरतें मियाँ और बीवी जन्नत में साथ होंगे, जिसका मुकाम ऊंचा होगा छोटे को उस तक पहुंचा दिया जाएगा, शोहर का मुकाम अगर नीचे बीवी का ऊपर है तो शोहर को ऊपर डाल दिया जाएगा, क्योंकि तो बीवी ऊपर है और बीवी को नीचे लाना तो जुल्म हो जाएगा, तो अल्लाह इसको फायदा दे देगा। शोहर ऊपर है बीवी नीचे, शोहर कैसे बीवी ऊपर आ जाएंगे, लेकिन जानी मर्द और जानी औरतें जहन्नुम में साथ, और हर एक कुछ वक्त में एक शोला आएगा, वो तो यूँ ही चिल्ला रहे जहन्नुम में और चीखेंगे उस आँख की तपिश और उसकी शिद्दत की वजह से। मैंने पूछा ये कौन है, तो बताया गया जिनाकार मर्द और औरतें।